इशू के लिए हम पेप्सिन दे सकते हैं, बहुत बड़े काम करता है। गैस बनता है, एसिडिटी भी हो सकती है, कुछ भी आप दे सकते हैं, आंखें मूंद करके दे सकते हैं, जितने भी आपका नॉर्मल मेडिसिन है, जो जो मैंने नाम कहा, कार्बोवेज, चाइना, लाइकालिबाइक्रोमिकम, ऐसे कई अनगिनत मेडिसिन है जिसे देखकर आप थक गए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, एक बार पेप्सिनम देकर देखिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, आप हैरान हो जाएंगे उस रिजल्ट को देखकर। क्लिनिकली हमने कई लाखों पेशेंट को दिया है पेप्सिनम, और मैं पोटेंसी के बारे में भी बता दूं ना, रिजल्ट 200 में बढ़िया आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। हमारा जो ये पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, इसमें हम सरकोड्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सीरीज चल रहा है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकोड्स, क्योंकि ये डीप एक्टिंग होते हैं और इस तरह के जो चीजें हैं, दवाइयां हैं, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो रोज जो कॉमन दवाइयां हम यूज करते हैं उससे ये जो सरकोड्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अच्छे वाले सीक्रेशन से प्रोटीनाइज करके बनाया जाता है। तो सरकोड्स आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं पेप्सिनम, पेप्सिनम पेप्सिन से बनता है, पेप्सिन हमारे शरीर में होता है, जैसे कि इंसुलिन भी होता है, उसी तरह से पेप्सिन एक एंजाइम जो है हमारे स्टमक में पाया जाता है, बेसिकली स्टमक रीजन में जो पेरिटल सेल्स होते हैं, आपको पता है वहां से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन होता है, जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, उसका काम है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वायरस बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ जाता है या फिर बाद में प्रोड्यूस होता है, तो उनको वो डिस्ट्रॉय करता है एसिडिटी मीडियम करके। तो उसके अलावा पेरिटल सेल के अलावा एक चीफ सेल होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के आसपास, उसमें से पेप्सिन नामक एंजाइम सीक्रेशन होता है, जो जिसका मेन काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, उसको सिंपलर फॉर्म में उसको पेश करना, उसको डिवाइड करना, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अब्सॉर्ब हो पाए, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करता है। लेकिन वो नॉर्मल पेप्सिन के रूप में नहीं मिलता है, पेप्सिनोजेन करके एक एंजाइम पहले बनता है वो चीफ सेल से, फिर उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन बनते हैं, फिर उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, पेप्सिन फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो बेसिकली जो पेप्सिन एंजाइम है उसको पोटेंटाइज करके बनाया जाता है, ये जनरली पिक के जो स्टमक रीजन है उसको लेकर उन्होंने पोटेंटाइज किया है, जो हमारे पायनियर्स थे, और उससे जो जो बेहतरीन चीजें बनी है ना, आपके कई ऐसे क्रॉनिक डिजीज है जो आप जिंदगी भर हार देते हैं, दवाई खाते खाते परेशान हो जाते हैं, वो उसको पल भर में ठीक कर सकता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में बहुत बढ़िया काम करता है। आपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए कार्बोवेज, चाइना, लाइकोपोडियम, ऐसे वगैरह वगैरह कई दवाइयां यूज किया होगा, लेकिन कुछ लोगों को उनका उसका इफेक्ट आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। लेकिन अगर आप पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है उससे बनता है पेप्सिन, और फिर जो होम्योपैथी का दवाई बनते हैं पेप्सिनम, उसके बारे में जान जाएगा ना, तो उसका जो बेनिफिट है, जो दवा बेहतरीन तरीके से, जो फास्ट तरीके से काम करता है, वो बाकी सारे दवाइयों को आप भूल जाएंगे। तो पेप्सिनम जो दवाइयां है बेसिकली डिफेक्टिव डाइजेशन क्रिएट करता है, हर तरह का जो एंजाइम सीक्रेशन होता है खास करके स्टमक रीजन में, उसमें या तो बहुत कमी होती है एंजाइम सीक्रेशन, या फिर बहुत ज्यादा होती है, किसी भी फॉर्मेट में उसको सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो डिफेक्टिव हो जाता है, खाना जो भी खाते हैं प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता। अगर खाना प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि पेट में दर्द होना। नेक्स्ट उसका जो पॉइंट है गैस्ट्रिक पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, चीखता चिल्लाता है पेशेंट, हाय मैं मर गया, खाना खाने के बाद चीखने चिल्लाने लगता है, तो जो भी खाता है उसका हजम नहीं होता प्रॉपर तरीके से। तो डाइजेशन प्रॉब्लम के बाद गैस्ट्रिक पेन में भी बहुत बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट जो आता है इसका, क्योंकि मैंने बोला पेप्सिन काम क्या करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता तो उसका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों में मारस्मस देखा जाता है, एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, खाता है प्रोटीन वो तन को लगता नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता, कुछ लोग आर्टिफिशियल फूड ज्यादा देते हैं अपने बच्चों को, उसके कारण भी हो सकता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मिलता तो है लेकिन वो सही तरीके से सेल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एंजाइम उसमें डिफेक्टिव रहता है, एंजाइम प्रॉपर तरीके से सीक्रेशन नहीं होता, जो पेप्सिन है नहीं होने के कारण ये सारा तमाम प्रॉब्लम होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो नहीं पाता, डिफेक्टिव होता है, इसलिए मरसमस होता है, दुबला पतला देख सकते हैं फिगर में भी मैंने दिखा दिया है, बहुत ही हड्डियों का पिंजर दिखाई देता है बच्चे, बड़ों में भी ये कभी कभी पाया जाता है। तो उन तमाम चीजों में पेप्सिनम बहुत ही बढ़िया काम करता है, हमने अप्लाई किया है क्लिनिकली, रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, आहिस्ता आहिस्ता हमको जो प्रोटीन डिस्ट्रॉय होने लगता है बॉडी में, मसल ठीक से फॉर्मेशन नहीं हो पाता अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव हो, तो वो सही तरीके से होने लगता है।
इसके साथ साथ बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि मानव स्वास्थ्य में भी हम देते हैं, जैसे कि साइलिशिया है, टिबरकुलिनम है, उसके साथ लाइकोपोडियम है, तो उसमें भी बहुत बड़े काम होता है, एब्रोटेनम भी दिया जाता है। तो ये होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव रूप में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है डाइट ड्यू टू इनडाइजेशन। अगर ऑब्वियसली डाइजेशन का प्रॉब्लम रहा, जो भी खाना खाएंगे वो सही तरीके से नहीं पचेगा तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो अल्टीमेटली डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, बच्चों में हो, बड़ों में हो, किसी को भी अगर डाइजेस्टिव इश्यूज रहता है, और जनरली आईबीएस के जो प्रॉब्लम होता है, एच पायलोरी इन्फेक्शन होता है, चाहे कोई भी बीमारी का हम नाम ले लीजिए, उसमें ये तमाम जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं पेप्सिनम, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। नेक्स्ट आता है गठिया। गठिया जो गाउट का प्रॉब्लम है उसमें भी, क्योंकि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव रहता है और यूरिक एसिड भी उससे जो बनता है वो जाकर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता, जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे आप फिगर देखते हैं कि जो जो बड़े बड़े जॉइंट्स है, पैरों के अंगूठे वाले जॉइंट्स, ये सूज जाते हैं, वहां पर इतना भयानक दर्द होता है, वो पेशेंट चल नहीं पाता। अगर उंगलियों में भी होता है तो आहिस्ता आहिस्ता करो तो वो तोड़ मोड़ इधर उधर डिफेक्टिव हो जाता है, वो जॉइंट्स जितने भी जहां पर भी जमा हो जाता है ना, वो टेढ़े मेढ़ा कर देता है पूरे जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स में जनरली होता है, वो उसको पूरा डिफेक्टिव बना देता है, टेढ़े मेढ़े बना देता है उंगलियां, और चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जनरली अगर देखें तो पेप्सिनम का डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। वैसे डायबिटीज और पैनक्रियाज इश्यूज में भी बहुत बढ़िया काम करता है, उसमें भी अप्लाई होता है। और बेसिकली जो जो बीमारी आप जनरली देख लीजिए, डाइजेस्टिव इश्यू से लेकर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, नॉमेनक्लेचर में हम नहीं जाएंगे, ऐसे कई अनगिनत बीमारियां आएगी, नाम को देंगे, लेकिन बेसिकली अगर कॉजेटिव फैक्टर को आप देखेंगे कि ये जो भी कोई बीमारी हो उसका कॉजेटिव फैक्टर है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उस इश्यू के लिए आप पेप्सिनम दे सकते हैं, बहुत बड़े काम करता है। गैस बनता है, एसिडिटी भी हो सकती है, कुछ भी आप दे सकते हैं, आंखें मूंद करके दे सकते हैं, जितने भी आपका नॉर्मल मेडिसिन है, जो जो मैंने नाम कहा, कार्बोवेज, चाइना, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्बो, हाइड्रास्टिस, कालीबाइक्रोमिकम, ऐसे कई अनगिनत मेडिसिन है जिसे देखकर आप थक गए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, एक बार पेप्सिनम देकर देखिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, आप हैरान हो जाएंगे उस रिजल्ट को देखकर। क्लिनिकली हमने कई लाखों पेशेंट को दिया है पेप्सिनम, और मैं पोटेंसी के बारे में भी बता दूं ना, रिजल्ट 200 में बढ़िया आता है। 30 को पहले हम अप्लाई करते हैं, छोटे बच्चों में खासकर देते हैं, दिन में 2 से 3 बार करके 5-7 दिन, फिर 200 का सिंगल डोज देते हैं, लेकिन बड़ों में डायरेक्टली हम 200 में अप्लाई करते हैं, 1 या 2 डोज मैक्सिमम, ज्यादा नहीं देना, सुबह शाम करके दे सकते हैं, या आज सुबह, कल सुबह, या परसों सुबह, ऐसे 2 या 3 दिन दिन में 1-1 बार करके दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, बाकी के जो जो दवाइयां आप देना चाहें 30-40 में उसके बाद दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मदर टीचर में भी अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको ज्यादा दिन रिपीट नहीं करना, 1 या 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन दिन में 1-1 बार करके दीजिए 200 पोटेंसी को, फिर 15 दिन 1 महीने के बाद रिजल्ट देखिए। पेप्सिनम 1 ml का एक सिंगल डोज दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये पोटेंसी सिलेक्शन हुआ, और कॉमन सी बात हमने कही है, डाइजेस्टिव इश्यूज हर तरह के इश्यूज में अव्वल दर्जे का काम करता है और सारे समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। तो ये था एक छोटी सी दवाई पेप्सिनम, जो कि बहुत बढ़िया है, और पोटेंसी के बारे में भी हमने जिक्र किया। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर मैं आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करूंगा, तो बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। ये जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, और 2 नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, नेक्स्ट है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम क्लिनिकल टिप्स शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आपको फटाफट प्रेस्क्राइब करने का मदद मिले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लेसेबो इफेक्ट है, इसको लंबा केस टेकिंग करना पड़ता है, बहुत ही गलत धारणा है दोस्तों। होम्योपैथिक में ऐसे बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप फटाफट एक सिम्टम को देख के फटाफट उसको दवा प्रेस्क्राइब करेंगे और क्विकली काम करेगा, ऐसे चुटकी बजा के काम करेगा, आप हैरान हो जाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया क्लिनिकल टिप्स मैं डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स में पेश कर रहा हूं, अब बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए तीनों चैनल्स को, और बने रहिए मेरे साथ होम्योपैथी को प्रचार और प्रसार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।